ओके चलो लेट अस सॉल्व दिस। सिंप्लीफाई, अभी देखो ये मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, तो ध्यान रखना कैसे करना है। वो जो रूल था वो मल्टीप्लिकेशंस के लिए था, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल तो याद रखना ही है। चलिए 2 मिनट्स आई एम गिविंग, लेट अस सी सबका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान से रूल के हिसाब से हमें करना है। चलिए सो सर्वम, व्हाट इज द आंसर? ओके आशी, ओके हरा, क्या सब अलग क्यों आया? ओके नेक्स्ट, हरा के बाद पल प्लस या माइनस एंड देन प्लस, दिस वाज व्हाट इज द आंसर? एम आई ऑडिबल विश्वास? ओके वेरी गुड, लेट्स कैलकुलेट सो वील अंडरस्टैंड हु हैज डन सम मिस्टेक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये देखो नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं, तो 2 है, 2 दैट मींस इवन, सो जो भी प्रोडक्ट होगा उसका साइन पॉजिटिव आएगा। वैसे भी ये 2 ही है और लाइक साइन है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज पॉजिटिव। सो 15 × 14, सो 15 4 = 60, सो 0, 6 कैरी ओवर, 15 1 = 15 प्लस 6 दैट इज 21, सो 210 प्लस, अगेन ये दोनों के बीच में क्या है? सो 2 सेम साइन, सेम साइन मतलब उसका प्रोडक्ट का आंसर इज पॉजिटिव, सो इट इज 150, सो इट इज 360। आर आपका माइनस क्यों आया भाई? -360 क्यों आया? बराबर, तो ये मेरा लैपटॉप में तो स्क्रीन तो बराबर दिखाई देता है ना, या सर्वम के डैडी के पास जाना पड़ेगा? मैं तो अभी गलती नहीं होना चाहिए। अच्छा सब लोगों ने ऐसे ही किया सॉल्यूशन, सब लोगों का सॉल्यूशन जो है 360 आया ऐसे ही किया, तो दैट मींस आप सब लोग मेरे स्टूडेंट नहीं हो, वो आप आपके टीचर्स के स्टूडेंट हो, मेरे नहीं हो। मेरे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करेंगे, मेरे स्टूडेंट्स कुछ इस तरह करेंगे। -15 कॉमन ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, -14 प्लस -10, या तो ये सीधा प्लस को हटाओ, ये दोनों के बीच में देखो
ये माइनस 15 कॉमन है, तो माइनस 15, फिर उसके बाद माइनस 4 माइनस 10, तो माइनस 24. नाउ इट इज 15, 4 जो 60, 6 कैरी ओवर, 15 टू जो 30 प्लस 360. ये तो मान लो आपको दो ही टर्म्स है, बराबर. एक चीज समझो, मान लीजिए ये SI माइनस 15 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 15, या तो यहाँ पे माइनस करता हूँ, माइनस 15 इंटू 4, तो क्या करते हैं, एक 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 करते जाएंगे क्या? सब मल्टीप्लीकेशन करो, फिर उसके बाद एडिशन करो, ये कौन पागलपन करेंगे? ऐसा थोड़ा करना है हमें. सीधा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करो ना, कि माइनस 15 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लीकेशन. हमने क्या सीखा था, a इंटू बी प्लस सी, तो a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस बी a मल्टीप्लाई बाई सी, ये सीखा था ना. तो अगर हम यहां से इस साइड जा सकते हैं, तो इस साइड से इस साइड नहीं जा सकते क्या? जिस सीढ़ी से ऊपर जा सकते हो, उस सीढ़ी से नीचे उतर सकते हो या नहीं उतर सकते हो? तो फिर जब हमें ये दिखता है, तो हमें ये क्यों नहीं दिखता है हमें? क्या ये जब हमें दिखाई, कोई दिखाता है तभी ये याद आता है, या हमें ये दिखने से ये भी तो याद आना चाहिए? राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी तो याद आना चाहिए. कह रहे यार इतना बड़ा है, सिंपल कर दो, माइनस 15 को कॉमन कर लो, माइनस 14 प्लस माइनस 10, सो माइनस 24, माइनस 24 इंटू माइनस 15, 360, खत्म. मान लो ये तो दो ही टर्म्स थे, तो आपने ठीक है चलो भाई कर लिया, बट मैं और चार पांच टर्म दे देता तो क्या करते बैठेंगे क्या शाम तक? करेक्ट. सो थोड़ा स्मार्ट वे में भी हमें सोचना है न्यूमेरिकल को. चलिए नेक्स्ट. या चलिए क्या आंसर सर्वम? स्टील ओलंपियर में क्रैक कैसे करेंगे, इतना टाइम लगेगा तो. हाँ व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड. सो वन आंसर इज माइनस 100, सेकेंड आंसर टू नंबर. ओके आर आ 4. इतना टाइम कैसे लगेगा? अरे पॉल पॉल व्हाट इज द आंसर? या अरे आई नो. हाँ अरे ओके ओके चलो पता नहीं. देन पल पल आर यू देयर? या मेगा आई मीन्स विश्वास. ओके चलिए
आर आपने कैसे किया कि कंफ्यूज हो गया मुझे बताइए। बोलो बोलो क्या। नहीं, तो इसको ब्रैकेट में रखना है मल्टीप्लाई बाय -35, या तो आगे लिखो या पीछे लिखो, डजंट मैटर। हमने पढ़ा ना, ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, करेक्ट? तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूं, या ऐसे भी लिख सकता हूँ, -35 इंटू ब्रैकेट में 72 प्लस 28। चलिए, आपने ऐसे लिखा, ओके फाइन। नेक्स्ट 100 इंटू -35। अभी यहाँ पे देखो, ये दो है, हाउ मेनी नंबर्स? दोनों की साइन कितने, क्या है, सेम और लाइक और अनलाइक? तो अनलाइक अगर है तो क्या साइन आएगा? अनलाइक के बीच में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा? टू इंटू -3 क्या आएगा? रूल क्या बोलते हैं? देखो देखो देखो, रूल देखो, जनरल रूल, या तो देखो कोई भी रूल, देखो एक रूल क्या बोलता है, पढ़ो। हाँ, माइनस साइन, सिंपल। इसमें कंफ्यूज क्यों होना है? दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, सो इट इज नेगेटिव। So, -3,500। और सर्वम, तुम क्या 100 लेके आ गया था? ओलंपियाड में 100 लेके आएगा क्या? पहले तो 100 बोला ना। चलो नेक्स्ट। हाँ, मेरा कान भी अलग सुनाई देता था। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट। ओके, योर आंसर वन नंबर आंसर। ओके, टू नंबर। आशीष, फोर नंबर। आरहा, वेरी गुड, सबके फोर आ रहे। इलेवन नंबर पॉल। What is the answer? Okay, and विश्वास, वेरी गुड, सबके फोर। तो फिर क्या चेक करने का, सबका सही है। बट होप आप सब लोगों ने ऐसा किया होगा, टू इंटू इन ब्रैकेट -13, या तो ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, -13 प्लस 15, बोथ आर डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन है, और एडिशन करना है तो मैं बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट करूंगा। 15 -13 2, फिर साइन किसका रखूंगा, बढ़ेगा, सो प्लस। सो 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4, आंसर इज 4। चलो वेरी गुड। सो यहां तक हमने समझा मल्टीप्लीकेशन को। अब थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन को आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन रहता है डिवीजन, करेक्ट? तो रूल वापस सेम ही है, जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करेंगे तो रूल सेम है। रूल समझ लो,
हम लोग क्विकली समझेंगे रूल. सो जब भी डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स करना है और वो दोनों के सेम साइन है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में भी सेम था, तो रूल क्या बोलता था, क्या प्रोडक्ट का क्या साइन आएगा? जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते थे टू इंटीजर्स के बीच में, अगर दोनों का सेम साइन है तो क्या आएगा? हेलो, पॉजिटिव, बराबर. सो यहां पे भी वो पॉजिटिव आएगा, जैसे 48 डिवाइड बाय 4 तो 12, माइनस 63 डिवाइड बाय माइनस 9, दोनों सेम साइन तो पॉजिटिव साइन 7. उसी तरह जब डिवीजन बिटवीन टू इंटीजर्स करेंगे हैविंग डिफरेंट साइन, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव साइन होगा. जैसे 48 डिवाइड बाय माइनस 4 तो माइनस 12 हो जाएगा, या माइनस 63 डिवाइडेड बाय 9, डिफरेंट साइन माइनस एंड 9 का प्लस. सो जो भी आंसर आया, हम सीधा 63 डिवाइडेड बाय 9 किया तो 7 आया, 7 का जो साइन रहेगा वो नेगेटिव, करेक्ट. सो मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन में रूल इज सेम. चलो लेट अस डू दिस क्विकली. डिवाइड माइनस 208 बाय 26. सो पहले तो आंसर जो आएगा, क्वेश्चन इज द आंसर, तो क्वेश्चन जो भी आएगा वो उसका साइन क्या रहेगा? क्वेश्चन नेगेटिव है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो डिवीजन है, जैसे हम लोग डिवीजन करते हैं 208 26, बस ऐसे डिवीजन कर लो 208 by 26, फिर जो क्वेश्चन आया उसका साइन माइनस रख दो. चलो साइड में 208 डिवाइड बाय 26 करो. ओके, वेरी गुड. चलो वन मोर मिनट आई एम गिविंग. Okay, half minute to go. ओके चलिए, व्हाट इज द आंसर सर्वम? ओके आशी, बारा, पॉल, सबका सेम आया है. ओके सो 26 208, सो सीधा 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 6 are 48, then 4, 8 2 are 16 plus 2, that is 8 2 are 16 plus 4, so 20, dono ke beech mein subtraction kiya to 0 is the remainder, that means quotient is the answer, aur jo answer aayega uska sign will be minus. Chale one more. तो इसको भी हम लोग डिवीजन कैसे करेंगे, तो 272 by 16, दैट्स इट. फॉरगेट अबाउट साइन, साइन का रूल क्या बोलता है कि अगर दोनों सेम साइन है तो क्वेश्चन जो आएगा उसका पॉजिटिव साइन. वेरी गुड, क्रॉस चेक कर लो. 85 डिवाइड बाई 5 कितना होता है?
85 divided by 5. तो एग्जाम में क्यों 13 करके आया था? ओके चलिए, सो सर हम तुम्हारा आंसर या विश्वास को पहले पूछते हैं. विश्वास योर आंसर. विश्वास नाउ रिवर्स जाएंगे. ओके सो क्विक क्विक थोड़ा सा जल्दी. यू हैव टू इंक्रीज द स्पीड. यू हैव टू रिमेंबर द टेबल्स एटलीस्ट 20 तक. प्लस 1 7. ओके देन नेक्स्ट पॉल. Paul, what is the answer? Paul, are you there? Ara? Okay, Ashi? Sarvam? Kya baat hai? Sabke 17? Chalo, main check kar leta hoon. So, 7 minus 6 is 9. Hai na? ओके 1 2 1 1 1 2. सो 16 के टेबल में 1 1 2 17 का आएगा. तो 17 16 7 112. रिमाइंडर इज 0. डिविजन प्रोसेस कंप्लीटेड. सो क्वेश्चन इज द आंसर. क्वेश्चन इज 17 और यहाँ पे दोनों का साइन सेम है तो जस्ट सीधा पॉजिटिव रख दो. दैट इज 17. चलिए वन मोर. 1765 by minus 1765. What is the answer? Mega? Biswas? So minus 1, correct? Dono, A number by A number. A by A is 1. Phir uske baad sign different. To negative sign. So minus 1 is the answer. चलिए नेक्स्ट. या बोलो. दैट इज द आंसर. किसी भी नंबर को 1 माइनस 2067. Next. जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर इज 0. चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो. चलो नेक्स्ट. Yes, Biswas. Seven. Let us check. So 147 divided by 21. इतना तो मुझे पता है कि इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा बिकॉज बोथ साइन आर सेम. सो डिविजन करूंगा तो प्लस में आएगा. ना 20 and 147. तो 21 7s are 7 1s are 7 7 2s are 14. So 0 0 remainder. Quotient is my answer. So answer is 7. Chali, next. Fill in the blanks. Blank mein kya aega? 80 divided by blank equals to minus 5. 80 ko kisse aap divide karoge jisse answer minus 5 aega. Yeah, see. हाँ, so 80 को मुझे किसी से डिवाइड करना है तो 5.